सोशल मीडिया पर आपके पास लेकर आए हैं आज फिर खबरों का आईना, अच्छी खबरों के साथ सादर जय जिनगर। आज के दिन अच्छी बात तो नहीं, आखिरकार क्षमा वाणी पर हमारे इंदौर का समाज बट गया। यानी क्षमा वाणी जो क्षमा करके जोड़ने की बात करती है, और उस पर आज दिखा कि सचमुच आज इंदौर का समाज दो फाड़ हो गया है, हकीकत में हो गया है। दिखा आज है या पहले हो, जिसने क्षमा वाणी करी उसने कहा हमारे यहाँ 2500 आदमी आए, हम आपको पूरी पब्लिक के वीडियो दिखाएंगे, और जिस जो इससे दूरा धड़ा उसने कहा 500 आदमी आए। गिनती दोनों के बीच रही होगी, पर जरूर इस बार क्षमा वाणी पर इंदौर की सामाजिक संसद पर मुनि श्री प्रमाण साई ने कहा उसका साफ साफ असर दिखा। हम क्षमा वाणी नहीं मना पाए, हम तो दीवार खड़ी वाणी बना गए। 12 श्री संघों में से केवल 2 इसमें उपस्थित हुए, आचार्य श्री विपिन सागर जी और आरिका सुनेमती जी। यानी स्पष्ट यह हो गया कि इस बार भी गुरु संघ भी इस क्षमावाणी के पक्ष में नहीं रहा। एक धड़े ने मनाया और बड़े खोज से कहा कि हमने ये करा ये करा ये करा। दृश्य आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आकर आचार्य श्री विपिन सागर जी ने भी कुछ खरी खरी बात इस बंटवारे पर कह भी दी। आचार्य श्री विपिन सागर ने स्पष्ट रूप से कह दिया, कहते हैं कई बार एक लाइन भी गंभीरता का संकेत देती है। उन्होंने कहा अगर कोई मूर्ति आपसे टूट जाती है तो उसका तो प्रायश्चित है, लेकिन जो समाज को तोड़ता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। क्षमा से अपनी कषाय को मंद कर लो, स्पष्ट संकेत था समाज के लिए कि अपने जो विघटन हो रहा है, ये दो फाड़ हो रहे हैं, इनको क्षमा वाणी पर एक कर लो। पर नहीं, दूसरा ग्रुप गायब रहा, 9-2-11 चंपत रहा, बहिष्कार किया उसने, और समाज वाले जो कहते हैं न्यूट्रल होते हैं वह भी अधिकांश इस बार उपस्थित नहीं हो पाए। दावा रहा एक ग्रुप का जिसने करा कि हमारे 2500 आए, पर नहीं आए 2500। न को दूसरे ग्रुप ने कहा कि हमारे इनके 500 आए, नहीं 500 ज़्यादा है। जो लोग इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं है वह अनजाने में पहुँच भी गए, और जो लोग चाहते थे कि गुरुओं का सम्मान रहे, आदर रहे, संस्कार हम कर रहे और हम इस क्षमावाणी को एक बना सकें, नहीं बना पाए। यह क्षमावाणी वास्तव में एक अधूरी क्षमावाणी थी। अरे गले मिलने से कुछ नहीं होता जब तक दिल नहीं मिलते हैं, अरे क्षमावाणी उनसे होती है जो हमारे से विरोध करते हैं। नहीं, इंदौर की 12 संघों के मौजूद के बावजूद ही आज यह कहेंगे इंदौर समाज बटा हुआ, एक क्षमावाणी नहीं मना पाया। वास्तव में यह हम कोई त्यौहार पर्व नहीं मना पाए अगर हम समाज को एक नहीं कर पाते हैं। हमारी कमेटियां इसके अंदर कहेंगे कि 0/0 ही नंबर दे पाएंगे। इतने संतों की उपस्थिति के बाद हम कुछ भी अपने समाज की एकता के लिए नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में इंदौर, और अब बात करते हैं सागर, जहाँ वास्तव में भर गई गागर। ये देख रहे हैं, रखिए गिनते रहिए गिनते रहिए गिनते रहिए, ये जुलूस, ये शोभा यात्रा 2 किलोमीटर लंबी, सफ़ेद पोशाक और सफ़ेद ध्वजा के साथ, सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज, और फिर 21 बग्गीनुमा गाड़ी और 5 घोड़े साथ, यह चलती रही शोभा यात्रा 2 किलोमीटर लंबी। यह होती है विभूति, यह लगता है गदगद देखकर कि समाज जहां बटा हुआ था वहां एक की आवाज आ रही थी। गजब की बात है, जहां इंदौर में 6 साल में 102 साल का इतिहास खराब करने में लगे हुए हैं हम 6 साल से, वहां आज सागर में गागर के रूप में बह रही थी। निरपेक्ष अमर सुधा से 5000 शावकों ने संस्कार शिविर में भाग लिया था। उनका यह उसके बाद ये कार्यक्रम गजब का आनंद दे रहा था, दोनों तरफ लोग देख रहे थे, हर कोई अरे जैन तो छोड़ो अजैन भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। इस दृश्य को देखे आत्मविभोर हो जाएंगे, इसको देखकर गजब की बात थी। और हाँ, पता है यहाँ संस्कार जब परीक्षा हुई ना, प्रथम पुरस्कार में एक्टिवा दी गई अभिषेक जी को। ऐसी जब चलती है शोभा यात्रा तो कहते हैं दिल एकदम बाग बाग, अरे आपको गार्डन गार्डन हो जाता है जब ऐसा दृश्य देखा जाता है। दिल में सचमुच कुछ कुछ फक फक हो ही जाता है। बहुत अच्छी बात सागर में। हर संत में कोई अनोखी बात होती है, कोई त्याग में करता है, कोई व्रत उपवास में। ये देख रहे हैं आप, ये आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, कुल 4 में चल रहा है चतुर्मास, सिंह निश्चित व्रत किया, पूरे संघ को व्रतों 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 में लगा दिया, पर अब इन्होंने रस्सियों के अंदर ही पहुंच गए हैं। अब इस बार उन्होंने घोषणा कर दी, आजीवन फलों के रस का त्याग रहेगा,
त्याग के रास्ते भी, व्रतों के साथ भी। यह होती है कुछ, जब बढ़ने की बात होती है अपने को और त्याग के रास्ते पर आगे बढ़ बढ़ बढ़ा जाता है। और कुछ चित्र इनके केश नोच के, जब संत केश नोच करते हैं ना, हमें अपने से मालूम चलता है कि जो शरीर को लपेट के साबुन से इत्र से क्या क्या करते हो, किस तरीके से ये उसे जंगल की घास समझ के यूं उखाड़ते हैं बाल जैसे पता नहीं चल। एक बार करके देखिएगा, इस शरीर से अपने राग को कम करिएगा, कहते हैं उतना ही आप अंदर पहुंचेंगे, नहीं तो बाहर भिगोने को ही गर्म करते रहेंगे, दूध तो रखा ही नहीं उसके अंदर। सुनंदा जैन की ये मिसिंग का पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है आजकल। हमने इनकी बहन स्निग्धा जैन से बात करी है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि दो दिन पहले सुनंदा जी मिल गई हैं, रेलवे पुलिस इनको ले आई है, सकुशल हैं, ठीक है, बाकी घर की बात है, घर में रहनी चाहिए, बस इसको अब आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अलग अलग रूप में जलूस निकलते हैं, शोभा यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती हैं, आज को एटा के एक ये फोटो दिखा रहे हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कभी, जैसे जन्मोत्सव मन रहा हो इस पर्यूषण समापन के समय, इस रथ यात्रा में ऊपर से रिमझिम फुहार बढ़ रही थी और नीचे गुलाल, जी हाँ गुलाल बिखेरा जा रहा था, आपको चेहरों से पहचान हो रही होगी। रथ यात्रा अनोखे रूप में, यानी गुलाल के साथ, रिमझिम बौछार के साथ। फिर मिलेंगे कुछ खबरों के साथ कल सुबह 8 बजे। जरा कुछ सुनिएगा कि जब आचार्य श्री के पास आशीर्वाद देने गए कि गुरुवर आशीर्वाद दो कि हम सभी तीर्थों की यात्रा कर पाऊं, तो आचार्य श्री ने ऐसा क्या कह दिया, कहते हैं जीवन बदल दिया। सादर जय जिनेन्द्र।